जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में। अगर आप लोग आधार कार्ड पैन कार्ड अगर आप लोग ठीक से नहीं रखिएगा तो जिनका इनके साथ हुआ है वैसा आपके भी साथ हो सकता है। क्या एक हमारे गाड़ी चलाते हैं भाई हैं, इनका एक समस्या हो गया है। कुछ दिन पहले एक क्या हुआ था, आप कोई दुकान पर गए थे फाइनेंस करवाने ना? ई गए किसी दुकान पर फाइनेंस करवाने और इनके माने सारा कुछ हो गया, सारा जो जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस हो गया और इनको बोला गया कि आपका रिजेक्ट हो गया है, आपके नाम पर फाइनेंस नहीं हो सकता है। तो अपना घूर घर के चला और क्या बात है, दो महीना के बाद इनको कॉल आता है कि सर जो आपने फोन लिया था उनका EMI आप जमा काहे नहीं किया। तो इन्होंने जो अधिकारी थे इनको कॉल किया और बोला कि जो आप मोबाइल लिए उनका पेमेंट बाकी है, सब पेमेंट जमा कीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम तो कोई मोबाइल नहीं लिए तो हम पैसा क्यों जमा करें। तो लोन एजेंट है वो बोला कि नहीं, आपके नाम पर मोबाइल है लिए हैं, उसका EMI पेमेंट नहीं हुआ, वो EMI आपको पेमेंट करना होगा। तो इन्होंने कहा कि हमने लिया ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। तभी हम पेटीएम में चेक किए तो रियली क्रेडिट स्कोर में हम चेक किए पेटीएम में जाके तो रियली इनके नाम पर लोन हुआ हुआ है, क्रेडिट स्कोर में सिविल में शो कर रहा है। और दुकान पर भी गए थे दोबारा ही दुकान पर भी गए थे तो क्या हुआ, बात हुआ उससे कि जब हम फाइनेंस करवाने आए थे तो कोई मेरे नाम पर आप मोबाइल वाइल नहीं दिए और बोले कि लोन रिजेक्ट हो गया, साहब हमको परेशान कर रहा जो लोन एजेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं किए हैं। तो ये अपना फिर घूम घूम के आ गए, ये तो बहुत परेशानी में दिक्कत है सारा वक्त बोले हैं हमको। तो चलिए हमको भी लगा कि चलिए रियली है तो चलिए आप लोग के बीच एक छोटा सा वीडियो लाए कि आप लोग भी सावधान रहें और सतर्क रहें, आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिसयूज कोई ना करे, इसलिए हम आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं। और प्लस में जैसा इनका साथ हुआ वैसा आपके भी साथ ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि आप लोग भी कहीं फाइनेंस या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट आपके मांगे तो थोड़ा सोच समझ के कितना देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन में डाल देता है। तो कुछ कोई बोला कि इसमें पैन कार्ड डाल दो तो उसमें डाल देता है, आधार कार्ड मांगता है उसमें डाल देता है। तो देखिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो हम इनको एक सलाह दी है कि अपने जो नज़दीकी यहाँ का जो थाना है वहाँ आप जाए, वहाँ जाके आप एक माने FIR दर्ज करवाने के लिए इनको बोले हैं। अपना नज़दीकी कोई क्षेत्र है वहाँ जाके थाना पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाएंगे। और अब ठीक ठाक से रखिए ना डॉक्यूमेंट है, ठीक है? क्या ठीक है, अभी तो ठीक ठाक से रखे हैं, अब क्या करें, अब जो हो गया से हो गया। क्या भाई बहुत बड़ा फ्रॉड वाला बात है, बताइए आपके नाम पर कोई मोबाइल चला रहा है लोन लेके, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। तब इसलिए आप लोग सावधान, देखिए कोई भी चीज यूज कीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे कुछ भी यूज कीजिए, डॉक्यूमेंट के एकदम आप लोग संभाल के रखिए। थोड़ा ही वीडियो में बोलने में डर रहे थे तो हम बोले चलिए आप कुछ नहीं, हम ही बोलेंगे तो हम ही सब कुछ बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्या है जो आपके साथ दिक्कत हुआ परेशानी हुआ, सिर्फ वही आपको बोलना है। बात सही है कि झूठा बताइए, सही है? तो भाई थोड़ा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा और उन भाइयों को भी शेयर कर दीजिए कि उन सबको भी जानकारी हो जाए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर सुरक्षित नहीं रखिएगा तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। जिनका इनके नाम पर इनको बिना पता कि ये लोन हो गया वैसे आपको भी आपके नाम पर लोन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
जय हिंद दोस्तों।